हाय फ्रेंड, आज बात करेंगे स्लैब कास्टिंग करने से पहले क्या क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रख लेना चाहिए कास्टिंग से पहले। सबसे पहले हम शटरिंग चेक करेंगे, जो शटरिंग हम किए हैं उसको प्रॉपर प्रॉप्स चेक कर लेंगे, सपोर्ट बराबर है कि नहीं, बीम का कॉलम का जो सपोर्ट है वो चेक कर लेंगे। और शटरिंग होने के बाद प्लाई में क्या करेंगे, वन डेज बिफोर हम क्या करेंगे, डी शटरिंग ऑयल लगा लेंगे। और जो बीम का शटरिंग है 1 पॉइंट, यानी आउटर फेस जो है, किनारे किनारा जो फेस है, हम 1 पॉइंट से इंड पॉइंट तक थ्रेड बांध के हम स्ट्रेट चेक कर लेंगे, स्ट्रेट है कि नहीं चारों तरफ बीम का। और लेबल चेक कर लेंगे, प्रॉपर लेबल में है कि नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर शटरिंग में अगर दो प्लाई के बीच में अगर ज्वाइंट है तो वहाँ पे मास्किंग टेप मार देंगे। अगर मास्किंग टेप नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे पन्नी बिछा दीजिए चारों तरफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टील बांधेंगे। स्टील बांधने के बाद जब स्टील बांधेंगे तब उसमें हम क्या करेंगे, स्लैब स्पैन जो है लॉन्गर शॉर्टर चेक कर लेंगे। स्टील का जो लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन जो है उसमें स्टील चेक कर लेंगे, एज पर ड्राइंग के हिसाब से है या नहीं। मेन बार शॉर्टर स्पैन बिछा रहता है। और प्लेसिंग एंड ज्वाइंट चेक करेंगे, स्टील में जो है हम प्लेस कर रहे हैं वो, और ज्वाइंट ज्वाइंट जहाँ जहाँ है ज्वाइंट चेक कर लेंगे हम। कवर कवर चेक करेंगे, स्लैब इंड जो स्लैब इंड है वो 25, मिनिमम 25 mm होना चाहिए। स्लैब बॉटम कवर चेक कर लेंगे हम, 15 mm है नहीं। 1 मीटर स्पैन में चेयर बार कितना होना चाहिए, एक ही चेयर बार लगा है या नहीं ये चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपरली टाई बार चेक कर लेंगे, यानी बार टाई बराबर हुआ है नहीं, प्रॉपरली चेक है या चेक कर लेंगे लगा है नहीं। उसके बाद से 1 मीटर स्क्वायर में एक ही चेयर होना चाहिए ये चेक कर लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक चेयर है या नहीं, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मिनिमम डाया ऑफ चेयर कितना होना चाहिए, यानी चेयर का डाया 12 mm मिनिमम होना चाहिए ये चेक कर लेंगे। फिर बीम कॉलम का स्टील चेक करेंगे, प्रॉपर टाई हुआ है कि नहीं। और जब हम कॉलम का चेक करेंगे स्टील, तो उसमें मास्टर रिंग चेक कर लेंगे, मास्टर रिंग लगा है या नहीं। नहीं लगा है तो उसको चेक करके वहाँ प्लेस करेंगे मास्टर रिंग। और उसके बाद स्लैब स्लैब का मिनिमम कवर कितना होता है, 20 mm है या नहीं ये भी चेक कर लेंगे। कॉलम में कवर चेक कर लेंगे, 40 mm है या नहीं, नहीं है तो 40 mm चेक करके अप्लाई करेंगे। और फुटिंग का कवर ब्लॉक चेक कर लेंगे, 50 mm। और बीम बीम का जो स्टील है जो हम शटरिंग लगाए हैं उसमें ये चेक कर लेंगे, सिकंजा लगा है कि नहीं। जब हम कंक्रीट प्लेस करते हैं तो वो तो वेटेड होता है ना, तो इस वजह से हम सपोर्ट चेक कर लेंगे, सिकंजा लगा है नहीं बीम में। अगर नहीं लगा है तो वहाँ पे लगाएंगे, केयरफुली चेक कर लेंगे। और कवर ब्लॉक चेक करेंगे, स्टील कवर ब्लॉक लगा है नहीं। कवर ब्लॉक कंपलसरी रहता है, इसलिए कवर ब्लॉक लगाते हैं ताकि जो स्टील है वो प्लाई से चिपके नहीं। और कवर ब्लॉक लगाने से ये होता है कि जो कंक्रीट हम प्लेस करते हैं तो स्टील को नीचे प्लाई में सटने नहीं देगा, और कंक्रीट नीचे अच्छे से प्लेस हो जाएगा, हनीकॉम का प्रॉब्लम नहीं होगा। और चेयर बार लगाने का मेन रीजन ये होता है कि अपर और लोअर जो बार है उसको टाई दोनों को चिपकने नहीं देगा, होल्ड करके रखेगा, और कंक्रीट जो है पूरे अच्छे तरह से अंदर फिलिंग हो जाएगा। चेयर बार लगाने से ये फायदा है, हॉनीकॉम्ब होने का चांसेस नहीं होता है। और जब भी हम कंक्रीट को ले जाएं बॉक्स में तो केयरफुली ले के जाएं ताकि स्टील जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और कंक्रीट जो है वो स्लोली ज़्यादा हाइट से हम पोर नहीं करें, यानी ज़्यादा हाइट से प्लेसिंग नहीं करें। कवर ब्लॉक 1 मीटर स्क्वायर में मिनिमम 4 to 5 कवर ब्लॉक लगता है।
सो गाइज, व्हेन यू आर प्लेसिंग द कंक्रीट मस्ट बी केयर अबाउट द कवर ब्लॉक। सो कवर ब्लॉक कंपलसरी है लगाना। और ज़्यादातर कंट्रेक्टर क्या करते हैं, छोटा छोटा ये ब्रिक्स को तोड़ के और अपने अंदाज से छोटा छोटा ब्लॉक बना के डाल देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। और हमेशा मार्केट से आप स्टैंडर्ड साइज का कवर ब्लॉक लें और उसको प्लेस करें। कवर ब्लॉक बहुत ही ज़रूरी है। और कास्टिंग करते समय आप वेदर क्लाइमेट का भी केयर करें। ज़्यादा सन्नी टाइम में कास्टिंग नहीं किया जाता है, इसलिए कि वेदर इफेक्ट होता है सीमेंट सीमेंट पे, कंक्रीट पे इफेक्ट होता है। ज़्यादातर आफ्टर 2 o'clock के बाद यानी इवनिंग टाइम में ही कास्टिंग किया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन होगा। और कास्टिंग करने से पहले प्लम्बिंग वर्क पाइप का पॉइंट पे आप पाइप इंस्टॉल कर ले, ताकि बाद में वहाँ पे तोड़फाड़ ना हो। तोड़फाड़ होने से ये होता है कि बाद में पानी का आने से वहाँ पे स्टील क्या होता है, करोजन अकर हो जाता है। तो पहले आप प्लम्बिंग पाइप इलेक्ट्रिक वर्क भी कर सकते हैं, करके आप रेडी करो तब कास्टिंग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ एनी क्वेरीज प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। स्लैब कास्टिंग होने के बाद से प्रॉपर वाटर क्यूरिंग का ख्याल रखें। क्यूरिंग इज द मोस्ट स्ट्रेंथ।